हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस ऑफ टर्म टू एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11th. ऑल्सो आई शैल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एलिंग प्लैनेट्स. लेट्स बिगिन. तो हम देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है उसमें एक राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में और फिर रहा आपका लॉन्ग राइटिंग सेक्शन, ग्रामर और फिर आपका लिटरेचर, ग्रामर और फिर लिटरेचर. यानी कुल मिला के हम देखेंगे तो कितने पार्ट हो गए आपके. राइटिंग सेक्शन हो गए, उसके राइटिंग सेक्शन के दो पार्ट हैं, शॉर्ट राइटिंग सेक्शन और लॉन्ग राइटिंग सेक्शन. इसके बाद ग्रामर है, ग्रामर के बाद फिर आपका लिटरेचर है, लिटरेचर में हॉर्नबिल और स्नैपशॉट. इस तरह से आपकी तो जो राइटिंग सेक्शन है, राइटिंग सेक्शन में क्या आता है, पोस्टर आता है, लेटर राइटिंग है, डिबेट है और ग्रामर में डिटरमाइनर्स है, टेंसेज है, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेज जो कि क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं. फिर आपका जो लिटरेचर सेक्शन है इसमें आपका हॉर्नबिल से द एलिंग प्लेनेट है, ब्राउनिंग वर्जन है, सिल्क रोड है और पोएट्री से द वॉइस ऑफ द रेन, चाइल्डहुड है. इसके बाद स्नैपशॉट से अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल है, मदर्स डे और बर्थ है. इस तरह का सिलेबस आपका है. तो मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा द एलिंग प्लेनेट के क्वेश्चंस. एलिंग प्लैनेट जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखेंगे. एलिंग प्लैनेट, तो इसकी समरी में बता दूं, द चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द आर्टिकल रिटन बाई नैनी पालकीवाला. ये चैप्टर नैनी पालकीवाला के आर्टिकल पर बेस्ड है. आर्टिकल वाज पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस. आर्टिकल जो है वो 24 नवंबर 1994 को इंडियन एक्सप्रेस में छपा था और उसमें जो फोकस किया गया है प्रॉब्लम वो ये है कि जो अर्थ की जो कंडीशन है वो लगातार गिरती जा रही है, अर्थ बीमार होती जा रही है और बहुत से प्रॉब्लम्स हैं. तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया है जिसको ग्रीन मूवमेंट कहा गया है. ग्रीन मूवमेंट आर्टिकल लिखने तक 25 ईयर्स अगो स्टार्ट किया गया था और इसको न्यूजीलैंड से शुरू किया गया था. द मूवमेंट गेन पॉपुलरिटी 1972 आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी. न्यूजीलैंड में जब सबसे पहले ग्रीन पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था उसके बाद से ग्रीन मूवमेंट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार वो प्लैनेट अर्थ को बचाने के लिए लगातार काम कर रहा है. और हमारी जो पहले एक बहुत सारे विचारधारा थी, जो हम पहले समझते थे कि जो पृथ्वी है एक मशीन है, अर्थ और दूसरे प्लैनेट सूर्य का चक्कर लगाते हैं, अब धीरे धीरे वो जो विचारधारा है वो बदलती जा रही है. अब हम ये समझ लिए हैं कि पृथ्वी जो है एक लिविंग क्रिएचर है, इसके भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, कुछ ज़रूरत है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए. लगातार जो रिसोर्सेज का प्रयोग हो रहा है इससे एक संकट की घड़ी आ गई है और बहुत ही जो आने वाली जनरेशन है उसको अगर हमें बिल्कुल ही एक संपन्न रखना है, उसको रिसोर्सेज देना है, वाटर है, एयर है, सारी चीज़ें देना है, तो हमें रिसोर्सेज को बचा के यूज़ करना चाहिए. इस तरह से द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है हमें एक ऐसा विकास चाहिए जिससे वर्तमान की आवश्यकता पूरी हो जाए और भविष्य के लिए भी ज़रूरत, भविष्य की जो ज़रूरत है उसके लिए भी बचा रह जाए. यानी हमें अपने ज़रूरत के हिसाब से ही संसाधनों का प्रयोग करना है. इसके कुछ के क्वेश्चंस देखेंगे द एलिंग प्लेनेट के. ये आपका समरी है जिसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे. एलिंग प्लेनेट चैप्टर समरी जो हमने बता दिया है. इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं. देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट, एक क्वेश्चन है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. मतलब ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है हमारे, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल है. व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीन मूवमेंट. ये मूवमेंट जो चलाया गया था ये हमें अवेयर करने के लिए चलाया गया था कि पृथ्वी जो है एक मशीन नहीं है बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. इट हैज़ टॉट अस दैट
वी आर जस्ट पार्टनर्स ऑन द अर्थ शेयरिंग दिस प्लैनेट, मतलब हम अब ये मानने लगे हैं कि पृथ्वी पर हमारे किसी भी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं है, बल्कि पृथ्वी पूरे लोगों की है और सबके बराबर सहयोग से और साझा करने से ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। हैव यू लर्न दिस ह्यूमन बींग वर्ल्ड वाइड हैव रिड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन बींग कॉज्ड ऑन द अर्थ, पीपल हैव रियलाइज दैट अर्थ एग्जिस्टेंस हैज़ बीन थ्रेटेंड, मतलब लोगों को अभी महसूस हो गया है कि जो पृथ्वी का अस्तित्व अब खतरे पे आ गया है और किसी भी संभव तरीके से इसको बचाए रखना चाहिए। अगर हमें भविष्य को मतलब आने वाले जनरेशन को हमें पृथ्वी सुरक्षित देनी है तो हमें इसको बिल्कुल बचा के रखना है। What shift in human perception has been seen as a result of green revolution? Green revolution के कारण हमारी जो मानसिकता है वो कितनी बदली है। The human perception has gone through a revolutionary shift, बहुत revolutionary परिवर्तन आया है, from mechanistic to, क्या परिवर्तन आया है, mechanistic to holistic and ecological view, मतलब पृथ्वी पहले एक मशीन थी, ऐसी विचारधारा थी जो कि पृथ्वी और दूसरे जो ग्रह हैं वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं एक मशीन की तरह, अब हमारी विचारधारा बदल गई है, अब हमें समझ लिया कि पृथ्वी की अपने कुछ ज़रूरत हैं, होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू से हम इसको समझ रहे हैं कि एक लिविंग क्रिएचर है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री देयर इज़ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, सबसे पहले हम लोगों ने मतलब ये अवेयर हुए हैं कि पृथ्वी जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके कुछ अपनी ज़रूरत है, कुछ मेटाबॉलिक नीड्स हैं, कुछ वाइटल प्रोसेस हैं। Why is Earth referred to a ailing planet? Earth को बीमार क्यों कहा गया है? Due to the insensitive exploitation of Earth resources by human for their survival and development, Earth has lost almost all its vital resources. पृथ्वी की जो भी जैविक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं और एक तरह से हमारी जो संवेदना वो समाप्त हो गई है। पृथ्वी के जितने भी रिसोर्सेज है उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अर्थ इज़ हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम, और इस समय जो है पृथ्वी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। पृथ्वी बीमार इसलिए कहा गया है क्योंकि अर्थ में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत जगह बाढ़ आ जा रहा है और इस तरह से जो एक मौसम में जो परिवर्तन हो रहा है जो कि एक होना चाहिए बराबर जो एक लय में आना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स वो पिघल रहे हैं, समुद्र तल जो है बहुत ज़्यादा उसका जो लेवल उठ रहा है जिससे बाढ़ की स्थिति आ रही है। व्हाट डज द नोटिस द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल एट द केज इन लुसाका जाम्बिया, लुसाका जाम्बिया में एक चिड़ियाघर है, वहाँ पर एक केज में ये नोटिस लिखा हुआ है ना, मतलब अगर आप उस चिड़ियाघर में जाएंगे तो एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर मतलब कोई जानवर नहीं है बल्कि एक नोटिस लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। तो अंदर जाने पता चलता है कि वहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को देख सकता है और देखने के बाद वो समझ सकता है कि संसार का जो सबसे खतरनाक जानवर है वो ह्यूमन है, क्यों ह्यूमन ही सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उसे ही समस्या का समाधान भी करना है। व्हाट क्वेश्चन डिड द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, ब्रांड रिपोर्ट ने क्या अपने मतलब रिजल्ट में क्या बताया था, जो ब्रांड रिपोर्ट में बताया गया था कि फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन आर वी टू लीव आवर सक्सेसर इस कॉर्स प्लैनेट, अगर हम इसी तरह अपने पृथ्वी का दोहन करते रहेंगे तो आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा, हमें एक बंजर भूमि मिलेगी, स्कॉर्च प्लैनेट मतलब बंजर भूमि मिलेगी, रेगिस्तान मिलेंगे, पर्वत पहाड़ मिलेंगे और दूषित वातावरण मिलेगा। हाउ आर अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम इम्पॉर्टेंट, पृथ्वी के जो चार बायोलॉजिकल सिस्टम है वो किस तरह इम्पॉर्टेंट है, तो ये बताया गया, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने बताया, अपने बुक में बताया है, ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट जो बुक है उसमें बताया है कि पृथ्वी की चार जो है वो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो है फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड, यानी पूरी जो पृथ्वी है वो उसकी अर्थव्यवस्था इन चार चीज़ों पे चलती है और कई जगहों पे वो चार चीज़ें अनसस्टेनेबल लेवल पे जा रही हैं, वो धीरे धीरे वो समाप्त एक्सटेंशन की तरफ जा रही हैं। व्हाट इज़ द काज ऑफ कोलैप्स ऑफ फिशरीज, अगर फिशरीज यानी मछली पालन अगर कोलैप्स हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे इसे बताया है कि जो ओवर पॉपुलेटेड जगह है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर मछली पालन करना है मुख्य व्यवसाय है, लोगों का पेट भी भरता है और ये व्यवसाय भी होता है, तो जब फिशरीज कोलैप्स हो जाएंगी
यानी मछली पालन जब समाप्त हो जाएगा तो इससे हज़ारों लोगों की जान भी जा सकती है और उनका प्रोफेशन भी जा सकता है, यानी गरीबी बढ़ेगी। वाई है, वाई एंड हाउ आर आवर ग्रास लैंड बींग कन्वर्टेड इंटू बैरन वेस्ट लैंड, मतलब किस तरह से हमारे जो ग्रास लैंड है वो बंजर भूमि बदलते जा रहे हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजन ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ द ग्रास लैंड एंड क्रॉप लैंड आर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी समस्या है। इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रास लैंड है, जो खेती योग्य जो ज़मीन है उसको काट करके हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इमारतें बनाना शुरू कर दिया है और इस तरह से खाने के लिए अनाज नहीं पैदा हो रहा है। वाई आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, राइटर ने बताया है कि जहाँ पर जंगल होते हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि आगे तेज़ी से, मतलब जो डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ता है। जहाँ पर जंगल हैं, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ डेवलपमेंट होता है और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ पर डेवलपमेंट समाप्त होता है। यानी अगर सभ्यता को बचाना है तो पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेटमेंट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो, यही उसका मतलब है कि फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट होता है वहाँ मैनकाइंड डेवलप होता है और जहाँ डेजर्ट होता है वहाँ पर समाप्त होता है। एक्सप्लेन द यूजुअली अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स अबाउट द पॉपुलेशन दैट ऑथर मेंशन, मत पॉपुलेशन को लेकर के ऑथर ने क्या कहा है, बताया कि 1900 में कितनी जनसंख्या थी और अब कितनी है, 1 मिलियन होने में 10 लाख वर्ष लगे और फिर अगले 2 मिलियन फिर अगले 100 सालों में, मतलब 100 सालों में, 100 साल के अंदर, मतलब 10 लाख वर्षों में 1 बिलियन हुआ जनसंख्या और फिर अगले 100 सालों में 1 और बिलियन ऐड हो गया। तो आर्टिकल लिखने जाने तक 3.7 बिलियन पॉपुलेशन था और अभी वर्तमान जनसंख्या अभी 5.7 बिलियन है। तो ये वर्तमान नहीं कहेंगे, जब आर्टिकल लिखा गया था उस समय का है। हाउ कैन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बी चेक्ड, कैसे हम उसको पॉपुलेशन को कैसे हम चेक कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस पर आप क्वेश्चन देख लीजिए। फिर है द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन आर वी टू लीव आवर सक्सेस, एक क्वेश्चन रिपीट है। What will the grassland turn into if we become unsustainable? At ये जो है extract based questions है, मतलब कुछ extract आएगा और उस पर भी question आपको देना पड़ेगा answer. When Margaret Thatcher says no generation has a freehold on this earth, all we have a life tenacity. Margaret Thatcher ने कहा था कि किसी भी generation को पृथ्वी पर रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि हम पूरे जीवन भर के लिए यहाँ किराएदार हैं। हमने पृथ्वी को एक रिपेयरिंग के लिए लीज पर लिया हुआ है, यानी किराएदार का काम क्या है, कमरे को साफ़ सुथरा रखना ताकि आने वाले किराएदार के लिए साफ़ सुथरी जगह मिले। यानी आने वाला किराएदार कौन सा है, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो हमारी भविष्य है, अगर उनको हमें सुरक्षित पृथ्वी को वापस करना है, एक सेफ अर्थ देना है, तो हमें पृथ्वी को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। फिर एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। फिर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द मोमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक मीन्स दैट स्टिल, द मोमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक मीन्स दैट, मतलब ये मोमेंट जो था ग्रीन मोमेंट वो पीछे मुड़ के नहीं देगा, इसका मतलब क्या है, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, इसका मतलब ये है कि वो अभी भी जारी है, अभी भी जो संघर्ष उनका है वो जारी है। होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि द प्रिजर्वेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी पृथ्वी को सुरक्षित रखना, बचाना। द अर्थ वाइटल साइन रिवील ए पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, इट मीन्स ये जो कह रहा है कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज टू सिग्निफिकाई अर्थ, अर्थ वाइटल साइन रिवील अ पेशेंट, मतलब पृथ्वी के लक्षण को देख कर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक पेशेंट, एक रोगी है। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें जो है पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि अर्थ को एक लिविंग बीइंग माना गया है, उसको रोगी माना गया है। सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द एलिंग प्लैनेट, अब ये जो है स्टेटमेंट को पढ़ करके जवाब देना है। सेलेक्ट द रोल्स असाइंड टू ह्यूमंस विथ रिस्पेक्ट टू द एलिंग प्लैनेट, वॉट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। फिर ये वर्ड मीनिंग है, तो इस तरह से ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, आशा आपको पसंद आया होगा।